अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू ला शरीका लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा। इतकाफ़ के मुतालिक चंद एक मसाइल ज़ेहन नशीन फरमा लें। इतकाफ़ सुन्नत वो है जो सिर्फ रमज़ान के आखिरी अशरा में किया जाता है। रमज़ान के सुन्नत इतकाफ़ का वक़्त 20वां रोज़ा पूरा होने के दिन ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और ईद का चाँद नज़र आने तक रहता है। मोतकिफ़ को चाहिए कि 20वें दिन ग़ुरूब आफ्ताब से पहले जिस मस्जिद में इतकाफ़ करना है उसमें दाखिल हो जाए। ये इतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी बड़े शहरों के महल्ले की किसी एक मस्जिद में और गांव देहात की पूरी बस्ती की किसी एक मस्जिद में एक आदमी भी इतकाफ़ कर ले तो गांव में कोई शख्स गुनाहगार नहीं होगा। जिस महल्ले या बस्ती में इतकाफ़ किया गया है इस महल्ले और बस्ती वालों की तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी, अगरचे इतकाफ़ करने वाला उस बस्ती का ना हो किसी और बस्ती का हो। आखिरी अशरे के चंद दिन का अगर इतकाफ़ किया, मुकम्मल अशरा न किया, 10 दिन न किया तो इतकाफ़ नफिल होगा, इतकाफ़ सुन्नत नहीं होगा। औरतों को मसाजिद की बजाय घर में इतकाफ़ करना चाहिए। इतकाफ़ की नीयत ज़बान से करना ज़रूरी नहीं, दिल से कर लेना काफ़ी है। आदमी ख़ुद एतकाफ़ न बैठे, पैसे देकर किसी को बिठा दे तो ये ठीक नहीं है। वैसे मोतकिफ़ को रोज़ा सहरी कराए, मोतकिफ़ को सहरी कराए, इफ्तारी कराए, इस पर सारी इफ्तारी का अजर मिलेगा। लेकिन किसी बंदे को पैसे देकर आप जगह पर एतकाफ़ करवाएं, एतकाफ़ बदल, ये ठीक नहीं है। मस्जिद में एक से ज़्यादा लोग एतकाफ़ करें तो सबको मुकम्मल एतकाफ़ का अजर मिलता है। एतकाफ़ मसनून के सही होने के लिए चंद एक शरायत हैं। नंबर एक, एतकाफ़ करने वाला मुसलमान हो। नंबर दो, आखिल हो। नंबर तीन, एतकाफ़ की नियत भी करे। नंबर चार, एतकाफ़ मस्जिद में करे, औरत हो तो घर में करे। नंबर पाँच, जनाबत से पाक हो। अगर हालत जनाबत में एतकाफ़ में बैठ गया, एतकाफ़ तो होगा लेकिन हालत जनाबत में मस्जिद में दाखिल होने की वजह से गुनाहगार होगा, इसलिए जनाबत से पाक होना ज़रूरी है। अगर औरत हो, हैज़ और नफास की हालत के अंदर न हो, वगरना उसका एतकाफ़ नहीं होगा, क्योंकि एतकाफ़ के लिए रोज़ा चाहिए, इस हालत में रोज़ा रख नहीं सकती। फिर एतकाफ़ वाले को चाहिए कि रोज़ा रखे। अगर एतकाफ़ के दौरान एक रोज़ा भी छूट गया तो यूँ समझें कि सुन्नत एतकाफ़ इसका ख़त्म हो गया। अगर किसी शख्स ने पहले 20 दिन न रोज़ा रखा न तरावी पढ़ी, सिर्फ आखिरी अशरा इतकाफ़ करना चाहे तो ये शख्स भी कर सकता है। जिस शख्स के बदन से बू वगैरह आती हो उसको इतकाफ़ नहीं करना चाहिए। अगर इतने कम दर्जे की खुशबू से ख़त्म हो सकती हो तो अलग बात है। वैसे इतकाफ़ में बैठकर मज़ीद मुतकफ़ीन और नमाजियों के लिए अजियत का और तकलीफ़ का बायस न बने। इतकाफ़ की हालत में चंद काम ऐसे हैं जो करने जायज़ हैं और बंदा कर सकता है। मुतकफ़ का मस्जिद में खाना, मोतकफ़ का मस्जिद में पीना जायज़ है। मोतकफ़ का मस्जिद में सोना जायज़ है। ज़रूरत की बात करना जायज़ है। अपना निकाह एतकाफ़ के दिनों में मस्जिद में जायज़ है। किसी और का निकाह हो और ये निकाह हाँ हो तब भी जायज़ है। मस्जिद में निकाह की मजलिस उसमें शिरकत करें तो भी जायज़ है। मोतकफ़ का अपने कपड़ों को बदलना यह भी जायज़ है। मोतकफ़ का खुशबू लगाना ये जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहब है। मोतकफ़ का तेल लगाना ये भी जायज़ है। कंघी करना ये भी जायज़ है, लेकिन तेल और कंघी में इसका ख्याल करें कि बाल न गिरे, फिर मुनासिब नहीं है। कपड़ा हो, तेल लगा लें, कंघी कर लें, अपने बाल संभालें, संभाल के बाहर रखें, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अगर कोई डॉक्टर है, एतकाफ़ के अंदर है, कोई मरीज़ आता है उसको चेक कर लेता है तो हर्ज नहीं है। ये नहीं है कि अपना क्लिनिक एतकाफ़ को बना लें, बेतकाफ़ भी और क्लिनिक भी चलता रहे। वैसे कोई मरीज़ आ गया है, कोई मस्जिद का है, कोई नमाजी है तो उसको चेक करके नुस्खा दे ले तो जायज़ है। अपने बर्तन वगैरह धोना ये भी जायज़ है। मोतकफ़ का अपनी नशिस्तगाह के ऊपर चादर लगाना ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इससे आदमी को एक किस्म की खलवत मिल जाती है। अपनी नशिस्त बदलना ये भी ठीक है। एक जगह पर इतकाफ़ में बैठा था, ज़रूरत के तहत जगह बदलनी पड़ गई है, कोई हर्ज नहीं, बस मस्जिद की हदूद के अंदर है। बकदे ज़रूरत बिस्तर, बर्तन, सामान वगैरह रखना ये भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। मोतकफ़ का तकाजे के लिए मस्जिद से बाहर जाना ठीक है। अगर करीब जगह ना हो, दूर हो तो भी ठीक है, लेकिन करीब जगह छोड़कर दूर जाना ये ठीक नहीं है।
मोतकफ़ हाजत के लिए बाहर जाता है, बैतुलखला के लिए लाइन लगी है, इसको वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है तो जायज़ है। बेहतर तो यह है कि इंतज़ार मस्जिद में करें, लेकिन अगर ऐसी सूरत भी है मस्जिद में है तो उसके अब और बंद आएगा तो इसको तकलीफ़ होगी, तो वहाँ भी इंतज़ार कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मोतकफ़ को बचना चाहिए, बग़ैर ज़रूरत के बातें करना से बचे, फोश बातें करना बाहर भी जायज़ नहीं है, फिर रोज़े की हालत में, एतकाफ़ की हालत में, मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है, बचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मस्जिद में सामान लाना ये भी मुनासिब नहीं, और अगर अपने साथ एतकाफ़ करने वाले कम माली हालत के हों अपनी बड़ी हालत के मुताबिक लाना, इससे भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। कोशिश करें कि इन दिनों में इस तरह चलें कि ऊँच नीच का फ़र्क कम हो तो ज़्यादा मुनासिब है। मस्जिद की बिजली गैस इस्तेमाल करना ये भी जायज़ है, हाल बढ़ता कोई सिगरेट का आदि हो, हुक्के का आदि हो तो ये उसके लिए जायज़ नहीं है, इससे बचना चाहिए। हाजात तबिया के लिए बाहर निकलना, गुस्ल की हाजत पेश आ गई फौरन जाए, तकाजे की हाजत है चला जाए, उसके लिए जायज़ है। अगर कोई बात करता है चलते चलते ज़रूरत की तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात के लिए मस्जिद से बाहर ये बिल्कुल ठीक नहीं है, या वज़ू के लिए था और बात की वजह से बाहर रुकना पड़ा, ये ठीक नहीं, ये ममनू है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अहतमाम करें, आदाब का ख्याल करें, तिलावत का ख्याल करें, ज़िक्रुल्लाह का ख्याल करें, अपने आप को इबादात के अंदर मशगूल रखें। मैं तो ज़रा से गुजारिश करता हूँ, हमने एतकाफ़ कोर्स के नाम पर एक कोर्स मुरतब किया है, तो अगर मोतकिफ़ हज़रात इस कोर्स को मंगवा लें, मुताला कर लें तो ठीक, सबसे बेहतर है कि किसी आलम को हमें एतकाफ़ कोर्स करवा दें। मैं आइमा से दरख्वास्त करूँगा, अगर आप एतकाफ़ कोर्स मंगवा लें या आना मीडिया सर्विसेज से आप इसको डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल के रख लें और लोगों को पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह एतकाफ़ के मसाइल भी मालूम होंगे, अकायद भी ठीक होंगे, अहादीस भी आ जाएंगी और बहुत सारे मसाइल इलम के अंदर आएंगे। अल्लाह ताला हमें आदाब के साथ एतकाफ़ पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए।